नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक बस की सौगात दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईपी डिपो से पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके साथ ही दिल्ली की सड़कों पर सोमवार से पहली इलेक्ट्रिक बस दौड़नी शुरू हो गई है। बस को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस सड़क पर उतरी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली पहली बस सड़क पर उतरी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं समझता हूं कि आने वाले सालों के अंदर जैसे जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर आती जाएंगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अभी आप लोगों ने देखा, जब बस चली ना तो इसमें आवाज आती और एक जरा सा भी धुआं, जीरो एमिशन है, कोई भी धुआं इस बस से नहीं निकलता। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। आज पहली बस गई है और अप्रैल तक हमें उम्मीद है 300 बसें आ जाएंगी और हमारा टारगेट है उसके बाद 2000 और बसेस अगले कुछ वर्षों के अंदर 2000 और इलेक्ट्रिक बसेस आनी चालू होंगी। आपको बता दें, ये बसें डीटीसी के अंडर शामिल हुई हैं। अप्रैल तक डीटीसी के बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो जाएंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण जेबीएम ऑटो लिमिटेड द्वारा किया गया है। दरअसल दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया गया है। इनमें 12 मीटर लो फ्लोर एसी उपलब्ध है। इसके साथ ही इन इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी कैमरे भी फिट हैं। जीपीएस और लाइव ट्रैकिंग के अलावा इन बसों में अलग अलग आबादी के लिए अलग अलग रैंप होंगे। इन इलेक्ट्रिक बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन के साथ साथ गुलाबी सीटें भी हैं। ये पहली प्रोटोटाइप बस आईपी डिपो से 27 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। ये बस एक बार चार्ज करने पर कम से कम 20 किलोमीटर तक चलेगी। करीब 1.5 घंटे में ये इलेक्ट्रिक बस फुल चार्ज हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।